इफ देर इज अ ट्री इट इज टुमारो इट इज वेल सेट. अगर पेड़ पौधे हैं तो कल है, तो पेड़ पौधे ही जीवन है, तो हमें इनको सुरक्षित करना है, हमें लगाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए. सबसे पहले हमने दो हिस्सों में अपनी ये टहनियों को ले लिया, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, बराबर बराबर हमने दो हिस्सों में लिया और पीछे से इसको ये इस तरह से बराबर करके ये जो पतली वाला तार है इससे हमने, आप इसके लिए धागा भी ले सकते हैं, अभी आपको ये थोड़ा सा लाइट लाइट सा नजर आ रहा है, बट ये धीरे धीरे जितना हम इसका प्रूनिंग करेंगे उतना ही खूबसूरत होता चला जाएगा, उतना ही बढ़िया सा बनेगा. इफ देर इज अ ट्री इट इज टुमारो इट इज वेल सेट. अगर पेड़ पौधे हैं तो कल है, तो पेड़ पौधे ही जीवन है, तो हमें इनको सुरक्षित करना है, हमें लगाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए. जिसके पास जितनी भी जगह हो उसी जगह पे ही पौधा जरूर घर में लगना चाहिए. तो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम टोपियारीज कैसे बनाते हैं. तो टोपियारी में कैमल के लिए स्पेशली किसी ने बोला है हमें कि टोपियारी बताएं, हमें कैमल बताना, बताएं कि किस तरह से बनाया है. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैमल कैसे बनता है. जेड प्लांट से ही हम लोग कैमल बनाने वाले हैं. तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं कैमल को. तो सबसे पहले हमने कैमल के लिए ये बहुत सारे ये हमने काटे हैं, देखिए इसमें एक दो ये तीन ये चार, तो हमारी बास्केट की थी, बास्केट में थी, तो ये हमने चार पांच जो टहनियां हैं ये ली हैं. तो अभी हम बताते हैं कि अब हमें किस तरह से करना है. तो सबसे पहले हम कैमल की दो टांगे बनाना चाहते हैं. तो अभी देखिए इसमें से हम ऐसा करते हैं कि हम दो टांगे, हम ये टांग इसको ये हम ले लेते हैं. टांग कैसे बनाते हैं, इसमें ये हम टांग लेंगे तो इसको यहाँ नीचे से काट देंगे, यहाँ से तो ये नीचे भी डिस्टर्ब करेगा तो इसको भी हम काट देते हैं. लीजिए सबसे पहले हमने दो हिस्सों में अपनी ये टहनियों को ले लिया, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, बराबर बराबर हमने दो हिस्सों में लिया और पीछे से इसको ये इस तरह से बराबर करके ये जो पतली वाला तार है इससे हमने, आप इसके लिए धागा भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास है, अगर तार नहीं है तो आप धागा भी ले सकते हैं. और ये हमने तार से पहले सबको ऐसे बांध दिया है, एक ये, इसके बाद दूसरे वाले को भी हम लोग पहले इसको सेट करेंगे. इसके बाद अब हम दोनों तरफ एक टांग को हम इधर लगा देते हैं और अगर आपसे सेट नहीं हो रहा होगा तो इसमें आप एक पत्थर भी रख सकते हैं. दोनों तरफ का सेट हो जाएगा, ये हमने एक तरफ लगा दिया और ये दूसरी टांग को इस गमले के दूसरी तरफ हम लगा रहे हैं. लगता है बहुत मुश्किल है पर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा अच्छे से फिक्स हो गया है और ये हम एक पत्थर के हेल्प से इसको, ताकि ये रखा रहे, ये दोनों तरफ से एक बार हम पत्थर लगा देते हैं. इसमें हम यहाँ से ये देखिए यह हमारा ऊंचा रहता है तो इसको हम क्या करेंगे, आगे की ओर लेके इसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे. ऊंचा रखने के लिए हम इसको यहाँ डबल भी कर देते हैं और क्योंकि आगे के पोर्शन के साथ ये इसका बॉडी रहेगा, आगे के पोर्शन के साथ हम इसको तार से इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे. ये देखिए ये ऐसे ऊंचा करेंगे तो ये तार हमारे यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, एक ये तार इसकी बॉडी के साथ यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं.
बना दिया है, शेप दे दी है हमने इसको ऊंट की। और अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको ये थोड़ा सा लाइट सा नज़र आ रहा है, बट ये धीरे धीरे जितना हम इसका प्रूनिंग करेंगे उतना ही खूबसूरत होता चला जाएगा, उतना ही बढ़िया सा बनेगा। तो ये अब यहाँ पर भी देखिए हमने ऊंट का ऊपर का बनाया है, तो ये सारा अभी हमको प्रूनिंग करना पड़ेगा। इसका प्रूनिंग करेंगे तो जितना जितना प्रूनिंग होता जाएगा उतना ही हमारा बुशी होता जाएगा, तो ये बहुत अच्छा सा हमारा लुक देने वाला है। ये 6 महीने के अंदर अंदर ये बहुत बढ़िया सा बन जाएगा और फिर हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। ये तो हमारे व्यूअर बोल रहे थे इसको दिखाएं किस तरह से होगा किस तरह से होगा, तो हमें लगा कि हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स की फरमाइश पूरी करनी चाहिए हमको, तो इसलिए हमने ये बनाया है। तो फ्रेंड्स ये हमने एक छोटा सा ऊंट बनाया है, अभी ये बहुत छोटा पतला है, इसके अभी ये आगे से ये भी फुल्ली तैयार नहीं है, और यहाँ से जो इसका बड़ा हुआ होता है ना ये भी तैयार नहीं है, और यहाँ पर ऊंचा भी बहुत होता है ये भी तैयार नहीं है पूरी तरह से। ये धीरे धीरे जितनी आप प्रूनिंग करेंगे उतना ही ये खूबसूरत बनता चला जाएगा। तो ये हमने एक रॉ बनाया है और ये हम आपको बरसात में आने वाले जो बरसात आएगी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितना खूबसूरत बन गया है। यहाँ से भी थोड़ा सा और इसके ऐसे ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि ऐसे जैसे जैसे ऊपर की ये बढ़ेगा ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर की ओर डालेंगे और ये भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी आपको आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताएं और लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और आप हमें बताने वाले हैं कि फर्दर आप क्या देखना चाहते हैं, आप ऊँट देखना चाह ऊँट तो हमने दिखा दिया, घोड़ा देखना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।